थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और बिल्कुल 100% आपका व्हाट्सअप नंबर जो है इस वीडियो से अनबैन होने वाला है। हम बिना इंट्रो दिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम मुद्दे की बात करेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मोबाइल में आ जाते हैं, ओके। आप भी अपना मोबाइल ले लीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन ले लेना है। अब यहाँ से आपको एक काम करना है, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन में एक फाइल वाला एप्लीकेशन होगा, उसको आपको ओपन करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वो फाइल जो होती है वो सिर्फ आपके एप्लीकेशन का जो डाटा होता है उसको डिलीट करने के लिए होती है, ना कि आपकी मेमोरी वाली जो फाइल होती है उसमें नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं इस पर, इसको आपको ओपन करना है, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर थ्री लाइंस दिख रही होगी ऊपर कॉर्नर पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ये जो शो हिडन फाइल्स, जो शो हिडन फाइल्स वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका इस तरह से डिसेबल रहेगा, तो उसको आप इस तरह से इनेबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ से सीधे बैक आ जाना है, ओके। डायरेक्टली मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर परेशान नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको सिर्फ आपको वीडियो देखते रहना, ओके। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर एक, यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंटरनल स्टोरेज वाला एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक जैसे ही किया आपने, यहाँ पर आपको दो चार और भी ऑप्शन खुलने को मिलेंगे, फिलहाल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपने मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर com.whatsapp इस तरह एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए। तो वहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर। अब इन सबको आपको इस तरह से टिक करके डिलीट कर देना है, ओके। अब जैसे आप यहाँ से इस तरह से आप इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद में आपको इस तरह से बैक आ जाना है, ओके फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर आपने अपने व्हाट्सअप का, जो आपने व्हाट्सअप पहले इस्तेमाल किया था, उसका आपने सारा सब कुछ डाटा जो है क्लियर कर दिया, आपने जो भी वहाँ पर किया था, ठीक है, उसका आपने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सअप पर आ जाना है। जैसे ही आप व्हाट्सअप पर आते हैं, यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर ना डालते हुए डायरेक्टली आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद में हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको यहाँ से बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं डजंट आंसर माय क्वेश्चन, उस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको डिस्क्राइब में एक मैं जो यहाँ पर लिख कर लाया हूँ वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये मैंने यहाँ पर लिख के लाया था, यहाँ पर मैंने इसको सबमिट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको जो माई मोबाइल नंबर भी लिख देना है, इसमें आपको इस तरह से लिख देना है। तो आपको ये पूरा सब कुछ जो भी लिखा है मैंने यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सबमिट कर दीजिए। एक सेकंड, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया, फिलहाल आपको ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो आपका बैन हुआ है ना व्हाट्सअप, वो वाला इंटरफेस आपको यहाँ पर लेके आना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए, आपको ये रीडायरेक्ट करके आपकी जीमेल एप्लीकेशन में ले जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिस डजेंट आंसर माई क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जीमेल पर क्लिक करना है। अब जीमेल पर क्लिक करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट करके यहाँ पर आपकी जीमेल पर ले आएगा। देखिए अपने आप आपको ये सारा सब कुछ मैटर यहाँ पर लिख के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपना मोबाइल नंबर तो आपने ऊपर लिख ही दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने अधूरा छोड़ा है तो यहाँ पर आप नहीं लिखें। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरह से इतना सारा मैटर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर देखिए, जस्ट इसके अंदर सिम के आगे नून 5 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर गौर से आपको मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना है, ओके। इसको इस तरह से यहाँ पर आपको इस तरह से लिख करके यहाँ पर नंबर डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर 797 जो भी है आपका। मैं यहाँ पर नंबर नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा व्हाट्सअप जो है अनबैन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर सबमिट नहीं करूँगा। फिलहाल यहाँ पर आपको ये सिम के आगे आपको वहाँ पर ये वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है, ओके। अब जैसे ही आपने ढूंढा, उसके बाद में वहाँ पर आपको अपना नंबर लिख देना है। नंबर लिखने के बाद में ये जो मैटर पूरा दिख रहा है, इसी के अंदर आपको वो मिलेगा, ओके, ढूंढ लीजिएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ से सीधे इसको सेंड कर देना है। ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ पर आपको इसको सेंड कर देना है। अब फिलहाल मैं यहाँ पर इसको सेंड नहीं करता हूँ। अब फ्रेंड्स, इतना करने के बाद में आपको सिंपली से अपने व्हाट्सअप में फिर से एंटर करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नंबर डालेंगे तो उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा वहाँ पर, रिक्वेस्ट अ रिव्यू। पहले आपको रजिस्टर न्यू नंबर लिखा हुआ रहा था यहाँ पर, अब आपको जब वो आप सारा सब कुछ मैटर वहाँ पर लिखेंगे तो आपको रिक्वेस्ट अ रिव्यू पर क्लिक करना है, ओके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वही मैटर आपको यहाँ पर डाल देना है जो आपने पहले यहाँ पर डाला था, वो नंबर आपको लिख के डाल देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम सबमिट करते हैं।
ये यहाँ पर सबमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको 24 घंटे के बाद, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यू रिव्यूज टिपिकली टैक्स 24 hours, वी विल नोटिफाई यू इन व्हाट्सअप चैट्स आर स्टिल ऑन दिस डिवाइस। उसके बाद में आपको यहाँ पर 100% आपका जो व्हाट्सअप है वो अनबैन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर साफ साफ लिखवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सअप को, तो आपको अब 24 घंटे में या 4-5 घंटे में आपको अपना व्हाट्सअप जो है लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका व्हाट्सअप जो है आराम से चल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है पसंद आएगी, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी व्हाट्सअप जो है अनबैन हो सके। और अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज जो है हमेशा यहाँ पर मिलते रहे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।